हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर नाइन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए आज हम पेज नंबर वन ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी नाइन पर जो एक्सरसाइज गिवन है एनसीईआरटी की उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे सो so, इस सारी एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है तो हम इसको दो या तीन वीडियोस के अंदर कवर कवर करेंगे अराउंड एटीन क्वेश्चन हैं तो मैं ट्राई करूँगा तीन या चार वीडियोज़ मैक्सिमम चार वीडियोज़ के अंदर मैं इन सारे क्वेश्चन को कवर कर दूँ सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कवर करेंगे सो so, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इज अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ नो प्रोवाइड ए रीजन इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है फिर उसके एक्सटर्नल फोर्स है वो नेट जीरो है तो क्या पॉसिबल है कि वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी यानी कुछ वेलोसिटी से मूव करता रहे सो यस इट इज पॉसिबल कब पॉसिबल होगा उसके हम कंडीशन लिख देते हैं यस इट इज पॉसिबल लिख दो देन द कंडीशंस आर द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन पाथ भाई एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहिए इन स्ट्रेट लाइन पाथ स्ट्रेट लाइन में क्योंकि हम हमें देखो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है पहली कंडीशन ये होनी चाहिए सेकंड कंडीशन देर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड नो चेंज इन स्पीड स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए थर्ड इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए देन द फोर्थ इज फ्रिक्शन फ़ोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड मस्ट बी ज़ीरो सो द फ्रिक्शन फ़ोर्स मस्ट बी ज़ीरो सो देखो फ्रिक्शन फ़ोर्स होगा तो वो आपकी वेलोसिटी को चेंज करेगा एंड द फिफ्थ इज एयर रजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो मतलब किसी भी तरह का रजिस्टेंस नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से हो चाहे एयर से हो अगर ये कंडीशंस हैं तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम कह सकते हैं कि बॉडी एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर सकती है कब जब कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो so, ये सारे रीजंस आपको मेंशन करने होंगे देन द सेकेंड क्वेश्चन इज वेन ए कारपेट इज़ बीटन विद स्टिक द डस्ट कम्स आउट ऑफ इट कैसे देखो लेटेस्ट से दिस इज द कारपेट और इसके ऊपर हमें कुछ डस्ट के पार्टिकल्स कह देते हैं कि ठीक है ये डस्ट के पार्टिकल्स इसके ऊपर रखे हुए हैं तो क्वेश्चन क्या है कि जब आप इसको एक स्टिक से बीट करोगे जोर जोर से इस स्टिक से इस कारपेट के ऊपर मारोगे तो जो डस्ट है वो बाहर आ जाती है ऐसा क्यों होता है तो देखो क्या होता है जब आप इससे कारपेट को मारना शुरू करते हो तो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाता है सो द कारपेट कम्स इन टू मोशन कारपेट तो मोशन में आ जाता है बट जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन्स एट ट्रैश ड्यू टू द इनर्शिया ठीक है सो कारपेट स्टार्ट मूविंग बट द डस्ट पार्टिकल्स मीन ए ट्रैच ड्यू टू इनशिया एंड दिस इज द रीजन दे कम आउट ऑफ इट सिंपल जवाब है क्वेश्चन नंबर थ्री इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस लेट एस से दिस इज द बस अब क्वेश्चन क्या है कि इसके ऊपर जो भी लगेज होता है सपोज दिस इज द लगेज तो इसको रस्सी से क्यों बांधना चाहिए तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं सेम क्वेश्चन था अगर बस मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एकदम से बस रुकती है तो ये लगेज आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ठीक है अगर ये बस स्टेशनरी पोजीशन पे है और एकदम से आगे की तरफ मूव करना शुरू करती है तो ये लगेज पीछे की तरफ मूव करेगा सो इन एनी केस देर आर चांसेस दैट द लगेज विल फॉल ऑफ सो इट इज एडवाइज टू टाई दिस लगेज विद द रोप ठीक है सो लिख सकते हो इफ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली देन द लगेज विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जबकि अगर एक स्टेशनरी बस स्टार्ट्स मूविंग देन द लगेज विल फॉल बैकवर्ड्स सो इसलिए हम इस लगेज को रस्सी से बांधते हैं ठीक है सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ वेलासिटी इज प्रपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल there is a force on the ball opposing the motion there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest ab isme dekho hua kya ki suppose ye ground hai ball hit ki gayi so ball ne yahan se roll karna shuru kiya but itna aapko pata hai ki har ek force पे एक equal or opposite reaction लगता है मतलब ball को जब यहाँ से hit किया गया तो तब भी एक opposite फोर्स यहाँ पे लगी होगी बट इस वक्त जो बॉल की फॉरवर्ड की फोर्स है वो इस अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा थी फ्रिक्शनल फोर्स से तो बॉल ने मूव करना शुरू किया बट सपोज यहाँ पे पहुँचते 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 बॉल यहाँ पे रुक गई सो so इसका सिंपल सा मतलब है कि इट स्टॉप्स बिकॉज देर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन जो कि रिएक्शन फोर्स होती है सो आंसर नंबर थ्री विल बी करेक्ट ठीक है नो लेट एस स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव से नुमेरिकल है इस एक्सरसाइज में पहला है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेरेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड मीटर इन ट्वेंटी सेकंड्स फाइन द एक्सेलेन पहली चीज फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज सेवन मेट्रिक टन और एक मेट्रिक टन एक हज़ार किलो होता है तो यानी जो मास ऑफ ट्रक है वो कितना हो गया सेवन मेट्रिक टन वन मेट्रिक टन वन थाउजेंड सो सेवन थाउजेंड के जी ठीक है नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ये ज़ीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फोर हंड्रेड मीटर कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है ट्वेंटी सेकेंड में तो सबसे पहली बात तो है हमें एक्सेलेशन फाइंड आउट करनी है सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर ये इक्वेशन हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस कितना है फोर हंड्रेड यू जीरो सो यू टी भी ज़ीरो सो हाफ ए और टी कितना है ट्वेंटी सेकेंड्स दैट इज़ फोर हंड्रेड क्योंकि टी का स्क्वेयर है सो फोर हंड्रेड से फोर हंड्रेड कैंसिल हो गया सो so, ए कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो पहले पार्ट का आंसर तो है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है अब इसके बाद हमें बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन सो मास कितना है सेवन थाउजेंड के जी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन कितनी है टू सो so, कितना आ गया ये फोर्टीन थाउजेंड न्यूटन सो इतनी फोर्स लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर फोर्टीन थाउजेंड न्यूटन सो अगेन मैं वही कहूँगा कि काफ़ी सिंपल है जस्ट आपको फार्मूलेज पता होने चाहिए और फार्मूला में कौन सी चीज़ आपको नहीं पता है उसको निकालने का तरीका आपको आना चाहिए सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स आल्सो सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ अ स्टोन ऑफ वन के जी इज थ्रोन वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक सो एक स्टोन है जिसका मास है सो मास ऑफ स्टोन लिख लेते हैं कितना गिवन है वन के जी उसको फेंका गया वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो है इसकी रेस्ट पे आ गया डिस्टेंस कितना है 50 मीटर ट्रैवल किया नाउ व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस सो फोर्स निकालने के लिए क्या निकालना है हमें मास इंटू एक्सीशन होती है मास पता acceleration है एक्सीशन में निकालनी है सो so, एक्सीलेशन कैसे निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस होता है ठीक है वी कितना है जीरो यू कितना है ट्वेंटी तो यू स्क्र कितना हो गया फोर हंड्रेड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था फिफ्टी सो ए कितना आ गया माइनस फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड दैट इज इक्वल्स टू माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायेयर सो एक हमने निकाल लिया एक्सेशन अब हमें निकालनी है फोर्स फोर्स कितनी होगी मास कितना है वन एक्सेशन कितनी माइनस फोर सो इट विल बी माइनस फोर न्यूटन माइनस इज बिकॉज इट इज अपोजिंग द मोशन बॉडी को रेस्ट पे लेके आ रहा है इसलिए माइनस साइन है सो माइनस साइन इज जस्ट बिकॉज द फोर्स इज अपोजिंग द मोशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस फोर न्यूटन्स ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इसमें हमने छः क्वेश्चन सॉल्व किए आपके पेज नंबर 128, 129 पे जो एनसीआरटी के पेज नंबर 128 ट्वेंटी और वन पे एक्सरसाइज किए हुए चैप्टर नंबर नाइन फिजिक्स में उसके हमने फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किए नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा आगे के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन एंड ट सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर नाइन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम पेज नंबर वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी नाइन की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन एंड टेन सो द क्वेश्चन नंबर सेवन इज एट थाउजेंड के जी इंजन पुल से ट्रेन ऑफ़ फाइव वैगन सो लेटेस से देर इज इज़ दैट इंजन ये इंजन है आठ हज़ार किलो का ठीक है और ये क्या कर रहा है ये इंजन पांच वैगन की ट्रेन को खींच रहा है सो लेटेस से दिस इज़ वैगन नंबर वन और हर वैगन का वेट कितना है टू थाउजेंड के जी वैगन नंबर टू वैगन नंबर थ्री वैगन नंबर फोर एंड वैगन नंबर फाइव ठीक है इफ़ द इंजन एक्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ फोर्टी थाउजेंड न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफरस ए फ्रिक्शन फॉर्स ऑफ फाइव थाउजेंड न्यूटन सो अगर इंजन फोर्टी थाउजेंड न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और जो अपोजिट फोर्स लग रही है फ्रिक्शन के द्वारा वो लग रही है फाइव थाउजेंड न्यूटन की तो हमें पहले पता करना है नेट एक्सीटिंग फोर्स सो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी सो द नेट फोर्स विल बी फोर्टी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड विच इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन नो सेकेंड इज द एक्सेलेशन ऑफ द ट्रेन अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या दिया ट्रेन ऑफ फाइव वैगन मतलब ट्रेन को यहां तक कंसिडर किया गया है पांच वैगन की ट्रेन है एक ठीक है सो हमें निकालना है इस ट्रेन की एक्सेलेरेशन कितनी होगी सो so, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू टू अब मास कितना हो गया ट्रेन का टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड इट इज टेन थाउजेंड न्यूटन्स सो थर्टी फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड के जी सो थर्टी फाइव थाउजेंड फोर्स कितनी थर्टी फाइव थाउजेंड इज इक्वल्स टू टेन थाउजेंड ए सो ए विल बी थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको नेट फोर्स के ऊपर काम करना है आप फोर्टी थाउजेंड न्यूटन लेके काम करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा देन द सी पार्ट इज द फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू अब ये वैगन ये वाली जो है ये ये जो वैगन है ये बाकी पे कितनी फोर्स लगा रही है ये हमें फाइंड आउट करना है सो so उसके लिए देखो अब कितना वेट कितना मास हो गया ये हो गया फोर वैगन का इट इज़ एट थाउजेंड के जी सो so, हमें निकालनी है फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू एट थाउजेंड इंटू एक्सेलेशन तो सेम है थ्री पॉइंट फाइव सो कितना आ जाएगा ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड न्यूटन ठीक है सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व करते हैं एन ऑटोमोबाइल व्हीकल एज ए मास ऑफ फिफ्टीन था फिफ्टीन हंड्रेड के जी सो मास कितना गिवन है पंद्रह सौ किलो क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलेशन ऑफ वन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो so बेसिकली ये नेगेटिव तो माइनस लगा देंगे सो so फोर्स तो सिंपल है फोर्स कितनी होती है मास इनटू एक्सेलेशन सो कितना आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड इंटू में माइनस वन पॉइंट सेवन सो सिंपल अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस टू फाइव फाइव ज़ीरो न्यूटन्स सो मतलब जो फोर्स है आपकी व्हीकल और रोड के बीच में या तो आप कह सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स वो कितनी होनी चाहिए टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो न्यूटन्स माइनस साइन इज जस्ट टू शो दैट द फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी सो दिस इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी सो हमें पता है मोमेंटम कितना होता है मास इन वेलोसिटी सबको पता है ये तो हम कर चुके हैं सो so, कितना हो गया एम वी सो आंसर विल बी डी ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टेन एम यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ टू हंड्रेड न्यूटन्स वी इंटेंटेड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सो दिस इज द लेटस से दिस इज द वुडन कैबिनेट जो कि एक सतह के ऊपर एक सरफेस के ऊपर है अब इसको हम मूव करना चाहते हैं विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट कांस्टेंट वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सेलेशन ज़ीरो है ठीक so है सो एक्सेलेशन जीरो है ना व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स डेट विल बी एग्जटेड ऑन द कैबिनेट अगर एक्सेलेशन ज़ीरो है तो जो इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन होगा दैट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो बी टू हंड्रेड न्यूटन सो बिकॉज देर इज नो एक्सरेशन सिंस देर इज नो एक्सरेशन फिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड जो कि है टू हंड्रेड न्यूटन दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो द आंसर इज टू हंड्रेड न्यूटन सो स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन एंड टेन को सॉल्व किया है सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू